छिंदवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी मुख्यमंत्री कमलनाथ और लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को जिले में 5 जनसभाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोधीखेड़ा, उबेगांव, परासिया, दमुआ और जामई में आयोजित जनसभाओं में कहा कि कांग्रेस ने तो 75 दिनों में अपना हिसाब दे दिया, अब शिवराज और पीएम मोदी अपना अपना हिसाब जनता को दें। हमने तो अपनी नीयत और नीति दोनों ही बता दी है। 75 दिन थे मेरे पास काम करने के, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई। 75 दिनों में हमने कर्जा माफ का काम शुरू किया। हमारे प्रदेश के 47 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। और शिवराज सिंह जी 15 साल झूठ बोला, मोदी जी ने 5 साल झूठ बोला, कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिएगा। मुझे मोदी जी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे शिवराज जी आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे तो अपने प्रदेश के किसानों से प्रमाण पत्र चाहिए कि उनका कर्जा माफ हुआ है। और मैं हम वचनबद्ध हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता हटती है, तो मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। वहीं लोकसभा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने कहा कि मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा और एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर और युवाओं का साथी बनकर जनसेवा के काम करूंगा। मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते युवाओं के प्रति मेरी सोच सकारात्मक है। मेरे पिता ने अपनी कर्मभूमि पर अनेकों संस्थान और उद्योगों की स्थापना करवाई है। मेरा प्रयास रहेगा कि और भी आधुनिक शिक्षण संस्थान, नए कारखाने और नए उद्योगों की छिंदवाड़ा में स्थापना हो। मेरी प्राथमिकता युवाओं के प्रति होगी। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बेरोजगारी की है और मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां हमारे छिंदवाड़ा जिले में नए निवेश आए, नए उद्योग खुले, नए कारखाने खोले, जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। सोमवार को मतदान होगा। इस दौरान छिंदवाड़ा का ये चुनाव देश के राजनीतिक इतिहास का पहला चुनाव है जहां एक ही जिले से एक ही दिन पिता और पुत्र लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, छिंदवाड़ा।